नमस्कार, आज मैंने बनाई है राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो देखकर ज़रूर बनाइए। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा एक बार में ही और बहुत टेस्टी बनेगा। बिल्कुल मैंने इजी तरीके से इसमें बताया है, तो आप ये रेसिपी लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा, इसमें हम डालेंगे अजवाइन और हम साथ में डालेंगे नमक। इनको हम अच्छे से मिला लेंगे और बीच में हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। यहाँ मैं बाटी का आटा लगा रही हूँ। घी है वो मैंने 7 से 8 चम्मच घी डाला है यहाँ पर। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बन जाता है। तो घी है वो सही क्वांटिटी में डाला है। उसके बाद हम पानी लगा के इसका डो तैयार करेंगे। डो है वो हमें ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा सख्त ऐसा नहीं लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल डो लगाना है। बाटी का आटा तैयार है, उसको हम एक साइड रख देंगे। अब हम यहाँ चूरमे के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने गेहूँ का आटा लिया है और 1/4 मैंने लिया है सूजी। इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें भी हम घी डालेंगे 7 से 8 चम्मच। और घी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और उसी तरीके से पानी लगा के हम नॉर्मल डो तैयार करेंगे इसका। और दोनों डो को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। घी मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा और ऐड किया यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा पानी लगाया और आटा तैयार किया चूरमे का भी। और दोनों को हम रख देंगे ढक के अच्छे से। यहाँ हम मिक्स दाल लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप मिक्स दाल ली है। इसको अच्छे से वॉश करके मैं भिगोने के लिए रख दूंगी। कुकर लेंगे, उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे जीरा और हींग पाउडर। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे प्याज 1 बारीक कटी हुई। इसको हमें अच्छे से पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च लिए यहाँ पर मैंने। एक टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया, वो हम इसको ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ लिया मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। काली मिर्च पाउडर, इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। मसाला है वो हमें अच्छे से पकाना है। थोड़ा सा हम इस पर पानी डालेंगे और मसाले को पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, ताकि जो टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला है वो अच्छे से पक जाए, तेल अलग हो जाए। यहाँ मैंने नमक डाला और यहाँ मैंने लहसुन लिए हैं, जिनको हम क्रश कर लेंगे अच्छे से। धुली हुई दाल थी वो हम मसाले में ऐड कर देंगे। मसाला पक गया था, दाल ऐड करेंगे, उसके साथ ही हम लहसुन है वो ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। थैंक यू।
और हम गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें, और इसको 3 सीटी आने तक हम पकाएंगे अच्छे से। यहाँ जो बाटी और चूरमे का आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है, इनको हम मसल लेंगे एक बार। यहाँ मैं बाटी बना रही हूँ, मैंने सेम प्रोपोर्शन में आटे को डिवाइड कर लिया और इस तरीके से मैंने बाटी बनाई। हमें बिल्कुल गोल इस तरीके से बाटी बनानी है। यहाँ सारी बाटी मैंने तैयार कर ली। इसके बाद हम चूरमे का आटा लेंगे और बाटी से थोड़ा बड़ी साइज में हम गोला बनाएंगे इस तरीके से। चूरमे के गोले भी मैंने बना लिए हैं। अब हम ओवन रखेंगे और इस पर हम बाटी और चूरमे के जो लड्डू हमने बनाए हैं वो एक साथ सेकेंगे। इन्हें सेकने में हमें 30 से 35 मिनट लगते हैं और इन्हें हम ढक के पकाएंगे, और फ्लेम है हम लो रखेंगे, बीच में हम थोड़ी सी मीडियम करेंगे, लेकिन हमें इसे 4 से 5 बार चेक करना है। और दाल है वो देखिए पक गई है, दाल बहुत अच्छी बनी है, कंसिस्टेंसी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको लग रही है दाल ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें गर्म पानी ऐड करके डाल सकते हैं। और बाटी है उसको रखने के बाद हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे संभालते रहेंगे, सारी साइड से हमें इस तरीके से इसे पकाना है। उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम करके इन्हें पकाएंगे। और चूरमा के जो लड्डू हैं वो भी इसके साथ ही सिक जाते हैं। इस तरीके से मैंने इसे 4 से 5 बार संभाला और बार बार इनकी साइड चेंज की, ताकि जो सारी बाटी हैं और जो चूरमे के लड्डू हैं वो अच्छे से सिक जाएं। देखिए सारी साइड से बाटी है वो सिक गई है, लेकिन इन्हें हम थोड़ी देर और पकाएंगे। इनमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है जब ये पकने लग जाती हैं। आप देख सकते हैं बाटी में और जो चूरमे के लड्डू हैं उनमें हल्के हल्के क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये अच्छे से सिक गई हैं। मैंने इनको निकाल लिया। जो चूरमे के लड्डू हैं वो अलग से आपको पता लग जाएंगे, क्योंकि इसमें अजवाइन नहीं थी, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। इन्हें हम टुकड़ों में करेंगे और उसके बाद ठंडा होने देंगे, और इन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीस के हमें इनका पाउडर बना लेना है। इसमें ऐड करेंगे हम बूरा, बूरा ऐड करने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिलाएंगे, और इस तरीके से हमें इसे मसलना है ताकि मिक्सचर है वो गर्म है उस टाइम पर थोड़ा, तो जो पूरा है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। इसमें ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स और किशमिश, ये आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं इसमें। इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी, घी है वो दाल बाटी चूरमे में जो उसका टेस्ट है उसी से आता है, तो घी है, आप डालने में कंजूसी ना करें, घी अच्छे से डालें। इनके हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप अपनी साइज के अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े। और देखिए चूरमा बहुत अच्छा बना है। बाटी है वो भी सब सिक गई है, तो हम इनमें घी लगा लेंगे। इस तरीके से बाटी को हमें थोड़ा सा दबाना है और इस तरीके से हम घी में डिप करेंगे। इसी तरीके से हम सारी बाटी में घी लगा लेंगे, और जो बाटी हमने बनाई है घी लगा के हम इसे चूरमे के ऊपर ही रख देंगे, ताकि जो बाटी का एक्स्ट्रा घी है वो चूरमे में चला जाए। दाल बाटी है वो बनके तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।